भी आ जाएगा एक मिनट में। लाइक कीजिए, बेल आइकन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैंने 500 ग्राम साबूदाना लिया है। साबूदाना को मैं 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से धो लेना है। अब मैं इसके अंदर इतना ही पानी डालूंगी। जितना डूबे उसे हल्का सा ऊपर, और इसको मैं ढक्कन लगा के रख देना 2 घंटे के लिए। मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, इसको हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। मैंने सिंग दाना लिया है, इस तरह से मैंने उसको कूट दिया है। आप चाहे तो इसको भून के भी कूट सकते हैं, मैंने इसको कच्चा ही कूट दिया है। 2 उबले हुए आलू, इस तरह से बड़े पीस में मैंने टमाटर को कटिंग किया है, 1 नींबू, हरा धनिया, कड़ी पत्ता और 3 हरी मिर्च, हींग और सेंधा नमक लिया है मैंने। और हम साबूदाना को देखते हैं, हमारा साबूदाना 2 घंटे के बाद भीग के एकदम से खुला खुला हो गया, एक भी चिपका हुआ नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया था उस तरह से पानी डाल के हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। देखिए हमारा साबूदाना एकदम खिला खिला है। चलिए हम बनाते हैं इसकी खिचड़ी। मैंने कढ़ाई लिया, इसमें मैं घी डालूंगी। ये आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। देखिए हमारा घी गर्म हो गया है। मैं इसके अंदर जीरा, कड़ी पत्ता, मिर्ची को मैंने थोड़ा सा कूट दिया है, इसमें कूटने में थोड़ा तीखापन ज्यादा आएगा। आधी छोटी चम्मच हींग, और अब इसके अंदर सिंगदाना डाल देते हैं, क्योंकि हमारे सिंगदाना कच्चे थे तो इसमें थोड़े से पक जाएंगे। आप इसमें भून के भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें कच्चा ऐड किया है तो इसमें थोड़ा पक जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हमारे सिंगदाना रेड होने लग गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा नरम करना है। और अब इसके अंदर आलू, आलू को मैंने हाथ से थोड़ा सा मैश कर लिया था। और अब ये साबूदाना डाल देते हैं। सारा मसाला को हमें मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है ताकि हमारा साबूदाना चिपके नहीं। मसाला मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, नमक स्वाद के अनुसार ही डालना है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए हल्का सा पकाऊंगी। मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ और 2 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। देखिए हमारा 2 मिनट हो चुका है, हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारा साबूदाना एकदम से पक गया है और नरम हो गया है और हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। देखिए अब इसके अंदर
नींबू का रस निकाल दिया मैंने, एक इसके अंदर डाल दिया मैंने, और इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ही खुले खुले और स्पॉन्जी साबूदाना बने हैं, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे, आपको सर करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट साबूदाना बना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए। थैंक यू।